खैरियत, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2023 के लिए। और आप सभी डेली बेसिस पे अपना टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे होंगे, तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2023 टू डू लिस्ट डे 4 को डिस्कस करेंगे। और ये कंप्लीटली 30 डेज का प्लान होने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपकमिंग 60 डेज है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया हुआ है कि फर्स्ट 30 डेज में हम आपके साथ पूरा सिलेबस गो थ्रू करेंगे। दैट मीन्स एक एक चीज जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जरूरी है एज वेल एज मेंस में भी जरूरी होगा, तो हम उसको पहले 30 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से ग्रास रूट लेवल से लेके एक हाई लेवल तक, जिसमें आपका मेंस के क्वेश्चन भी कवर हो रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 15 डेज आपका होगा, जो हमने पिछले 30 डेज में, दैट मीन्स जो डे 1 से लेके डे 30 डेज का हमारा प्लान चला था, उसको समराइज करेंगे, उसको क्विक गो थ्रू करेंगे लास्ट के 15 बीच के 15 डेज में, दैट मीन्स 31 से 45 में। और जो लास्ट का 45 दिन बचेगा, दैट मीन्स 15th ऑफ जुलाई से लेके आपका कंटिन्यू फोकस होगा मेन प्रिलिम्स प्लस मेंस मॉक टेस्ट पर, जिसमें मेंस को हम वीक में दो या तीन ही कवर करेंगे, बट प्रिलिम्स दिन में दो या तीन कवर कर रहे होंगे क्योंकि 45 मिनट्स का ही होता है और हमें 45 मिनट्स के साथ साथ एनालिसिस भी करना होता है, तो हमें दो से तीन को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और होप सो ये पूरी की पूरी सीरीज टू डू लिस्ट की आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, आपकी तैयारी में एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हो कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपका मॉक टेस्ट का स्कोर क्या जा रहा है, क्योंकि मैं अभी दो तीन चार वीडियो में मॉक टेस्ट के स्कोर को एनालाइज करूंगा, देन मैं कुछ प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि किस तरीके से मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ रहा है, बढ़ाना चाहिए, उस पर मैं फोकस करूंगा। तो जितने भी आपके मॉक टेस्ट में स्कोर जा रहे हैं, आप किस टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट लगा रहे हो और जो भी आपका स्कोर जा रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, एज यू ऑल नो, जो भी डे वन से फॉलो कर रहे हैं, सोर्सेज के लिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, वो है गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ। तो जिन्होंने भी परचेज नहीं किया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप जाके गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ परचेज कर लो, अगर आप मेरी टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास पहले से है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर दोस्तों से शेयर करके काम चल रहा है आपका तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कोड यूज कर लेंगे VB12, आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, और साथ साथ अभी गाइडली का जो मॉक टेस्ट भी है ना, वो 99 का है, तो अगर आपके पास पहले से कोई मॉक टेस्ट है और आप अदर मॉक टेस्ट के साथ भी जाना चाहते हैं तो गाइडली का मॉक टेस्ट खरीद लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्राइम बंडल पीडीएफ का भी और मॉक टेस्ट का भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टू डू लिस्ट को। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 6 AM to 7 AM, फिर से वही बात, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट को फिक्स कर लेना। अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स कर रहे थे, 20 आप कर रहे थे, आप 1 टू 20 का क्यूब देख रहे थे, 1 से 20 टेबल देख रहे थे, उम्मीद है आप सभी को वो चीज़ें लर्न हो गई होंगी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डे जो 4 का टारगेट है, दैट मीन्स गाइडली का जो टारगेट होता है आपका, जिसमें आप स्पीड बूस्टर देखते हो, आप प्रिलिम्स आप रीजनिंग में देखते हो, सिलॉग्स इनइक्वालिटी ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस, आप क्वांट में देखते हो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारों का आपको क्या मिलता है, सारे के सारे का आपको क्विजेज मिलता है। तो आप क्विज के फॉर्म में लगा तो टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस भी आपकी हो रही होती है और साथ साथ स्पीड में भी आपका काम हो रहा है। अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करना, स्टार्टिंग में कोशिश करना कि एक्यूरेट सारे क्वेश्चन बनाओ, भले ही आपके 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कम ही बने, अटेम्प्ट हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट यहाँ पे आपको अभी स्टार्टिंग में क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट 8 AM to 9 AM पे आ जाते हैं, ये आपका आता है न्यूज़पेपर रीडिंग। फिर से वही बात, जो बच्चे इंग्लिश में अपना पेपर देंगे वो पूरा का पूरा 1 घंटे डिवोट करेंगे किसको, न्यूज़पेपर को, एटलीस्ट दो आप क्या कोशिश करोगे कि आप दो एडिटोरियल कवर करो। जो बच्चे हिंदी ग्रामर हिंदी चूज करेंगे एज एन लैंग्वेज पेपर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एडिटोरियल करोगे प्लस यहाँ पे आप 15 से 20 मिनट अपना हिंदी ग्रामर वाले पोर्शन को दोगे, जिसमें आप अनेक शब्दों के एक शब्द ऑपोजिट वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी आपके उसमें होते हैं ग्रामर में वो कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9 AM to 10 AM में, यहाँ पे आपको करना है करंट अफेयर्स का सेक्शन प्लस आपको करना है कंप्यूटर पीडीएफ। करंट अफेयर्स के लिए आप जिस भी वीडियो सोर्सेज के साथ जा रहे हो आप उसी को कंटिन्यू करो, मैं ये नहीं बोलता आप चेंज करो, आप जिस भी साथ भी जा रहे हो आपको समझ में आनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जो एजुकेटर आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द क्लास आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर पीडीएफ आप डे 4 का कर लो, टारगेट कहाँ से, वो अगेन मैंने बता रखा है कि गाइडली के प्राइम बंडल पीडीएफ में आप जाके ओपन करोगे तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेक्शन मिल जाएगा। डे 1 से डे 50 का प्लान है, आप वो अगर कवर कर लोगे तो आपके आरआरबी पीओ के लिए मोर देन सफिशियंट है वो। ठीक है, वैसे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना एक पूरी की पूरी वीडियो तो मैं एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, बट एक सीरीज कंटिन्यू कर लेंगे जिसमें डेली का 15-20-25 मिनट वीडियो के साथ हम प्रैक्टिस कर लेंगे कंप्यूटर का। टेलीग्राम सॉरी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
11 AM टू 11:45 AM और 11:40 AM से 12:30, मतलब ये जो आधे घंटे 45 मिनट का आपका स्लॉट है, मतलब 1.5 आवर का, इसमें आपको कोशिश करना है कि आपका फ़ोन आपसे बहुत दूर रहे, अगर आप लैपटॉप से लगा रहे हो तो, या फिर अगर आप फ़ोन से लगा रहे हो तो उसको DND मोड में डाल दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है। इसमें आपको लगाना है मॉक टेस्ट RRBPO का, ठीक है। मैंने बता रखा है 99 में आपको गाइडली का प्राइम बंडल PDF मिल, गाइडली का मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो आप अगर परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज कर लेना, ठीक है। या फिर जिनके पास प्राइम बंडल PDF है उनको परचेज करने की जरूरत नहीं, उसमें एड ऑन होती है वो चीज़ें, ठीक है। 11:45 से 12:30 तक आप करोगे अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस का तरीका क्या है, पहले वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बनाने की कोशिश करो जो आपने बनाए थे बट वो गलत हो गया आपसे। नेक्स्ट में आपको देखना कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने बनाए बट आपने ज्यादा टाइम लेके बनाए, करेक्ट हुए बट ज्यादा टाइम लेके करेक्ट हुए, ठीक है। और लास्ट में उन सारे क्वेश्चन को देखो जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए आप। नेक्स्ट 2 PM टू 3 PM, कल आपने ब्लड रिलेशन कवर करा था, आज डायरेक्शन डिस्टेंस का किसी भी एजुकेटर के साथ, साउथ नॉर्थ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 180 डिग्री, 360 डिग्री, शैडो कहाँ बन रही, इन सारी कॉन्सेप्ट को सीख लो आज एक वीडियो में, कोशिश करना सीख लेने की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6 PM टू 7 PM, यहाँ से अब आपका थोड़ा सा लेवल अप होने वाला, जो तैयारी आप पिछले 3 दिनों में कर रहे थे आप मेरे को लगता है उस ग्रास रूट लेवल पर आ चुके हो जहाँ से अब आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। आज आप कोशिश करोगे 5 पजल एटलीस्ट प्रैक्टिस करने की, अगर आपसे खुद से बन रहा है क्लरिकल लेवल का पिक करना, आरआरबी क्लर का बहुत इजी हलवा लेवल होता है तो आप वही पहले पिक करना, अगर आपसे खुद बन रहा है वेल एंड गुड, नहीं बन रहा है तो 1-2-3 दिन आप किसी एजुकेटर की वीडियो देखो, चाहे वो अंकुश लांबा सर हो, चाहे वो पुनीत सर हो, चाहे आप राधेश सर को देख रहे हो, या फिर और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे होते हैं, तो आप उनकी अगर वीडियो देख के आपको समझ में आते तो वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट सीख लो, बट उसकी आदत मत लगाना। मैं ये नहीं बोलता आप उनकी क्लासेस मत देखो, मैं वो तो क्लासेस प्रॉपर देखो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। एक बार आपको लगे कि मेरे को इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको क्लासेस देखने की जरूरत नहीं, फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, चाहे आप किसी मॉक टेस्ट से करो, किसी PDF से करो, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में बेसिक सीखने के लिए आपको जरूरत है किसी लाइव एजुकेटर को पढ़ने की, ठीक है। 7 PM टू 8 PM आपको करना है परसेंटेज D2, ये क्वांट का टाइम है आपको पता है, इसमें आपको परसेंटेज D2 कवर करना है आज, D1 आप कवर कर चुके हो। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें आपको क्या करना होता है 8 PM टू लेके 8:20 PM। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे परसेंटेज किससे करें, आपके पास जो भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, हर एक एजुकेटर अच्छा पढ़ाते हैं आपको, आपको जिन भी एजुकेटर की चीज़ें समझ में आ रही है, जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, आप उन एजुकेटर को फॉलो करो, भले ही उनके पास सब्सक्राइबर बेस कितने कम हो। ये मत देखना कि XYZ एजुकेटर है तो मान लो एग्जाम्पल XYZ क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आशीष अरोड़ा सर है, 6-7 लाख सब्सक्राइबर है, आपको उनकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, फॉर एक एग्जाम्पल, हो सकता है ना कि कभी कभी आपके साथ वेवलेंथ मैच नहीं होते, तो आप इसका मतलब नहीं टीचर गलत है, तो आप उनकी वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रही, और कोई ऐसे एजुकेटर है जिनके पास 2-3 लाख सब्सक्राइबर है, जैसे लर्निंग कैप्सूल 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस है, तो आपको उनकी चीज़ समझ में आ रही उनसे समझ लो, कौशिक मोहंती सर है उनकी समझ में आ रही समझ लो, मेरे पे तो 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर, आपको मेरी समझ में आ रही तो आप मेरी वीडियो देख लो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 8 PM टू 8:20 PM में आपको करना है कंप्यूटर का क्विज, जो चीज़ आपने करंट अफेयर्स के साथ PDF में करा था कंप्यूटर का, उसी का लाइव क्विज आपको लगाना है, ताकि आपको ये चीज़ पता चले आपने जितनी पढ़ी है उसका कितना आप बैक कर पा रहे हो, आपके पास कितनी चीज़ें अभी स्टोर हुई है उसकी, ऐसा नहीं 100% हो जाएगा, 40%, 50%, 60%, बट टाइम एंड अगेन ये चीज़ें आपकी बढ़ती रहेंगी, ऐसा नहीं कि कम हो जाएंगी, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना कि अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रहा है, या फिर आपको याद नहीं पा रहा है, तो टाइम एंड अगेन आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी, एक दिन में क्विकली वो चीज़ें इंप्रूव होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। होप सो ये पूरा का पूरा टू डू लिस्ट आपको समझ में आया होगा, तो ऑल द बेस्ट। और सबसे लास्ट मैंने आज लिख दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर बताना है कि आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो वो किस टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपका कितना स्कोर गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।